वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ मैं आज आपके साथ हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो का जैसे कि आपने टॉपिक तो देख लिया होगा कि हाउ टू इंक्रीज करंट, तो इसके बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स वीडियोज़ को देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस यूनिट से। ये फ्रेंड्स गौर से आप देख लें, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रही है, इसके अंदर वाले हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। और ये कुछ यूनिट इस टाइप की है, और ये डबल यूनिट है, इसके दो फेस हैं। जो सिंगल यूनिट होती है उसका बेसिकली एक फेस होता है इस तरह से, और ये जो है अच्छी यूनिट है तो इसके डबल फेस हैं। तो सर ये जो यूनिट है ये आती है आपके चाइना के बाइक्स में, ये यूनिट है। तो ये यूनिट की निशानी ये है कि आपको ये अंदर वाला हिस्सा इसका नज़र आएगा। तो ये जो है इसका इतना अच्छी वो क्या कहते हैं, इतनी प्रोग्रेस नहीं होती करंट के हवाले से, तो आपको ये वाली यूनिट यूज़ नहीं करनी चाहिए, चाइना की जो यूनिट होती है, क्योंकि इससे आपका करंट जो है बाइक का अच्छा प्रोड्यूस नहीं होता। इसके बाद आपके सेकंड नंबर पे जो यूनिट है वो ये यूनिट है। ये यूनिट अगर आप इसमें नोट करें तो जो इसकी मोटाई है वो भी ज़्यादा है, ये देख सकते हैं आप, मोटाई भी इसकी ज़्यादा है। और उसके अलावा जो है आपको इसके जो मैनुफैक्चरिंग चीज़ है, ये देखें, आपको यहाँ से कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और उसके बाद आपको ये देखें इसकी बेल्ट जो इसकी एक क्वालिटी है वो भी अच्छी है। ये देखें आप, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। और उसके बाद ये आपकी सेकंड आ जाती है। इसमें अगर आप गौर करें तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। देखें ये स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये भी स्ट्रिप बनी हुई है। तो इसका बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर आपकी जो होल्डर होती है, इसकी रबड़ होती है, वो फिट हो जाती है। ये जो यूनिट है ये आपकी जेन्युइन यूनिट आती है, या आपके 125 में आती है। और उसके अलावा आपकी जो सीडी ये होंडा होती है, चाइना की बाइक नहीं होती, सीडी होंडा में जो है इस टाइप की यूनिट आती है, डबल फेस में आती है। ये भी सीडी होंडा की यूनिट है, लेकिन ये जो है इसमें ये है कि ये जो है अच्छी क्वालिटी की नहीं है, चाइना की है। ये देखें आपको सर्किट इसके नज़र आ गई, जो सीडी होंडा की भी जेन्युइन यूनिट होती है वो बिल्कुल इस टाइप की होती है। तो ये 125 की यूनिट है। इसके बाद जो आपके पास थर्ड नंबर पर आती है वो आपकी ये वाली यूनिट है। ये आपकी काफ़ी अच्छी यूनिट है, या अगर देख सकें तो ये आप सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे अच्छी यूनिट है। ये जो आपको थर्ड नंबर में आपको दिखा रहा हूँ ये यूनिट है। इसकी जो है सबसे पहली बात ये है कि आप इसकी आप ये चेक कर सकते हैं कि ये आप ये जेन्युइन यूनिट है। उसके बाद आप इसकी जो है आप लेंथ चेक कर सकते हैं कितनी बड़ी यूनिट है। उसके बाद है ये भी डबल यूनिट, लेकिन ये जो यूनिट है ये आपके जो डाउन मॉडल के बाइक्स हैं, जैसे कि 125 डाउन मॉडल हो जाए या होंडा सिटी 70 डाउन मॉडल, तो ये उनमें ये यूनिट जो है लगी हुई आया करती थी। तो आजकल जो सबसे अच्छी क्वालिटी है यूनिट की वो ये डाउन मॉडल की यूनिट, अगर आपको कहीं से मिले तो आप अपने बाइक के लिए यूज़ करें। इससे आपका करंट जो है बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो सकता है आपके करंट में, और आपका बाइक जो है बहुत ही रेस के लिए भी बहुत ही बूस्ट अप होगा। और उसके अलावा अगर आपका बाइक मिसिंग करता है, करंट की मिसिंग है, करंट कमज़ोर है, तो आपके बाइक का वो करंट का मसला भी जो है हल हो जाएगा, और आपका बाइक जो है दौड़ेगा भी अच्छा और बूस्ट अप भी अच्छा होगा, करंट भी अच्छा देगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज का टॉपिक था, यहीं तक थी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।